नमस्कार। अचानक से कश्मीर की महारानी कोटा रानी सुर्खियों में आ गई हैं। कोटा रानी की कहानी सोशल मीडिया पे घूमने लग गया है। किसी ने शायद ही पहले कोटा रानी का नाम सुना होगा। इतिहास के पन्नों में ये कहानी थी, बहुत थोड़े से शब्दों में कहीं रही होगी, लोगों तक नहीं पहुंची। न कभी स्कूल में पढ़ाया गया, न किसी आम पढ़ने वाली इतिहास की किताबों में देखी गई। जब हालात बदले हैं तो इतिहास के पन्नों में दफन किरदार भी बाहर निकल कर आ रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड में इस कोटा रानी की कहानी के ऊपर फिल्म बनाने की घोषणा हुई है, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर कोटा रानी। ऐसे लगा कि जैसे कि इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी बाहर आ गई जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। सच में नहीं था। कश्मीर का इतिहास तो वहाँ से शुरू होता है जहाँ से फारसी साहित्यकारों ने लिखना शुरू किया था, मुस्लिम आक्रांताओं का, आक्रमणकारियों का, शासकों का महिमा मंडन किया था। कितनी मूर्तियाँ तोड़ी, कितने कत्लेआम किए, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्यों कोटा रानी की कहानी को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए। क्यों कोटा रानी की कहानी आज की तारीख में, आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज की नस्ल के लिए जरूरी है। कोटा रानी की कहानी की शुरुआत होती है 14वीं शताब्दी की शुरुआत से। 1301 ईस्वी में सहदेव नाम के शासक थे, जो हिंदू शासक थे कश्मीर के। उस काल की यह घटना है। सहदेव के दो प्रमुख दाएं बाएं लोग थे, बहुत ही ताकतवर लोग थे। एक का नाम था रिंचिन, जो बौद्ध थे, लद्दाख से थे, लद्दाख के विद्रोही माने जाते थे, और दूसरा शाहमीर, जो स्वाति वैली से थे। और एक तीसरा किरदार भी था सहदेव के शासनकाल में, वो थे उसके सेना नायक रामचंद्र। और इन्हीं रामचंद्र की बेटी थी कोटा रानी। कोटा रानी बहुत ही सुंदर थी, तेज दिमाग की थी, आध्यात्मिक थी, हिंदू संस्कृति में रची बसी नारी थी। 1319 में तातार के सेनापति डुलचू ने 70,000 सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया कश्मीर पर। कश्मीर के राजा थे सहदेव, उनके सेनापति रामचंद्र और रिंचिन और शाहमीर ने सेनाओं के कई टुकड़ियों को अलग अलग गोलबंद करके उनका मुकाबला किया, लेकिन नहीं कर पाए। हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए। सहदेव की हार हुई और वो उदयन देव भाई के साथ किश्तवाड़ में जाके छिपे बचे। और इधर डुलचू ने जो जीत हासिल की तो उसके बाद दौलत भी हासिल की, औरतें भी हासिल की, गुलाम भी हासिल किए। वहाँ के हजारों ब्राह्मणों को गुलाम बनाया और 8 महीने तक वहीं रहा। फिर वहाँ से जाते समय जब वो जा रहा था डुलचू, बर्फ के तूफान के चक्कर में आया और वहाँ उसकी मौत हो गई। अब देखने की बात यह है कि रामचंद्र जो सेनापति थे, जिनकी बेटी ये कोटा रानी थी, उन्होंने देखा कि कश्मीर तो अब खाली है, वहाँ बर्बरता अब शुरू हो गई है, कोई शासक नहीं है। और वहाँ ये किश्तवाड़ के ही जो गद्दी नसीन लोग थे उन्होंने आक्रमण कर दिया, उसको हथियाना चाहा। तो रामचंद्र ने अपनी सेना, जो बची हुई सेना थी, उसको भेज के उनका मुकाबला किया और कश्मीर को अपने अंदर लिया और कश्मीर का स्वयं को शासक घोषित कर दिया। और इस तरीके से देखा जाए तो रामचंद्र कश्मीर के शासक हो गए, राजा हो गए, जिनकी बेटी थी कोटा रानी। अब आगे क्या होता है देखिए। ये रिंचिन एक नाम और शाहमीर नाम भूलिएगा नहीं, ये दोनों राजा सहदेव के आजू बाजू थे, जरूरी ताकतवर थे। इनकी उम्र कम थी उस समय, अब धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी उम्र भी बढ़ रही है। तो रिंचिन को लगा कि उसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, उसने इतना सेक्रीफाइस किया, इतना त्याग किया, उसके मन में हुआ कि उसे अब कश्मीर का शासक होना चाहिए, वो इसका सही उत्तराधिकारी है। उसने धोखे से रामचंद्र की हत्या करवा दी। देखिए कोटा रानी ने क्या किया। कोटा रानी को लगा कि अगर रिंचिन कश्मीर का शासक नहीं बना तो शाहमीर बन जाएगा। उसने, कोटा रानी ने खुद को रिंचिन के हवाले किया, उसने
ऑफर किया कि वो उसे शादी करना चाहती है। वो जानती थी कि कश्मीर में हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हिंदू शासक का होना बहुत जरूरी है। उसने एक बौद्ध से शादी की। इतिहासकार बताते हैं कि कोटा रानी ने रिंचिन की काया पलट कर दी, उसे हिंदू संस्कृति का फॉलोअर बना दिया। उसे समझ में आ गई कि दुनिया का सबसे बेहतर धर्म, सबसे बेहतर जीवन शैली, सबसे बेहतर संस्कृति हिंदुओं की है, और वो हिंदू बनने को तैयार हो गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। रिंचिन के विरोधी खड़े हो गए और उसे हिंदू बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने लगे। जो हार्ड कोर हिंदू थे, उस समय के ब्राह्मण थे, उन्हें समझ में नहीं आई कि एक बौद्ध हिंदू क्यों बने। और इस मानसिक परेशानी में रिंचिन ने इस्लाम कबूल कर लिया और नाम रख लिया मलिक सदरुद्दीन। रिंचिन बौद्ध से इस्लाम धारण किया और नाम रखा मलिक सदरुद्दीन, जो कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना। वैसे फारसी साहित्यकारों का एक कुछ मत है जिसमें कि वो रिंचिन जो इस्लाम कबूल किया उसके बारे में कुछ अलग अलग राय भी है, लेकिन हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी ये थी कि कोटा रानी मलिक सदरुद्दीन जो रिंचिन के साथ रहने लगी, क्योंकि वो जो रिंचिन थे ना, वो कट्टर तो मुसलमान बन नहीं पाए, धर्मांतरण में कभी विश्वास नहीं किया, उनके शासनकाल में कभी धर्मांतरण नहीं हुआ, कभी कत्लेआम नहीं हुआ, और उन्होंने सत्ता को ठीक से चलाने की कोशिश की। लेकिन रिंचिन जब मलिक सदरुद्दीन बने तो ये बात सबसे ज़्यादा अखरी राजा सहदेव के भाई उदयन देव को। उसने साजिश की, कुछ सैनिक इकट्ठे किए और आक्रमण कर दिया मलिक सदरुद्दीन उर्फ रिंचिन के ऊपर। वो गंभीर रूप से घायल हुआ और मर गया। जाहिर है कि मलिक सदरुद्दीन के मरने के बाद, रिंचिन के मरने के बाद कश्मीर का शासक बना उदयन देव। अब उदयन देव के शासक बनते ही कोटा रानी, जो कि विधवा हो गई थी, उसे लगा कि उदयन देव तो गुस्से में शासक बना है, उसने जो साजिश की है उसके पीछे उसका गुस्सा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोटा रानी किसी मुसलमान के साथ जिए, के ऐसे शासक के साथ रहे जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना हो। वो भी हिंदू संस्कृति का फॉलोअर तो था। कोटा रानी को लगा कि अभी भी मौका है, कश्मीर की सत्ता उसके हाथ में आ सकती है। उसने उदयन देव से शादी कर ली, विधवा तो थी। अब वो सत्ता चलाने लगी कश्मीर की, वो हिंदू संस्कृति वाली सत्ता फिर वहाँ चलने लगी। कोटा रानी के दो विश्वास पात्र लोग थे, एक उनका भाई विक्षण भट्ट और दूसरा वही पुराना शाहमीर। 1319 में जो ततारी सरदारों ने आक्रमण किया था, एक बार फिर से आक्रमण किया कश्मीर के ऊपर, और इस बार कोटा रानी ने विक्षण भट्ट और शाहमीर की सहायता से सेनाओं में अपने भाषण से जोश भर के वहाँ के लोकल स्थानीय नागरिकों को भी साथ लेके लड़ाइयाँ लड़ी। ये उदयन देव जो राजा था वो तो डर के भाग गया तिब्बत की ओर। कोटा रानी ने जीत हासिल की। जब ये तातार के सरदार अपने सेनाओं के साथ, आधी से अधिक सेना तो उनकी मारी गई कोटा रानी के हाथों, जब भागी तो उदयन देव भी वापस आए और फिर शाहमीर और उसके बच्चों को ऊंचे ओहदे पे रख के सत्ता में हिस्सेदारी दी और कोटा रानी ने सत्ता का संचालन अपने हाथों में किया। अब आ जाइए 1341 में। अब हम कोटा रानी का पटाक्षेप की ओर आ रहे हैं। 1341 में शाहमीर ने अपना वो चेहरा दिखाया जो शायद वो हमेशा से था। शाहमीर को लगा कि कश्मीर की सत्ता उसे हाथ में आनी चाहिए। अगर वो कोटा रानी को कब्जे में कर ले, उसकी सेना को अपने हिस्से में कर ले, तो कश्मीर का वो पहला मुस्लिम शासक हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। जब शाहमीर कश्मीर की सत्ता को हासिल कर लिया तो उसने कोटा रानी से कहा, जिसका एक बेटा था हैदर छोटा सा उस समय, कि तुम मेरे से निकाह कर लो
इस्लाम अपना लो, बहुत हो गया, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। कोटा रानी ने कहा ठीक है, कहाँ निकाह करना है। निकाह की पूरी तैयारी हुई, पूरे श्रृंगार के साथ कोटा रानी आई, उसने अपने पेट में खंजर मारे और वहीं उसने आत्महत्या कर ली। उसका आखिरी शब्द था, ये है मेरा जवाब और ये है हिंदू संस्कृति। हमें लगता है कि कोटा रानी एक ऐसी शख्सियत रही हैं जिसे हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए और इसे नई नस्ल तक, नई पौध तक उनकी कहानी को पहुंचाना चाहिए। तो जुड़ रही है हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।